बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास टू, हाउ आर यू ऑल? दिस इज़ योर सोशल स्टडीज़ पीरियड एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, लेसन नंबर 8। एंड बिफोर स्टार्टिंग इट, फर्स्ट रिसाइट दुआ आफ्टर मी, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ओ माय लॉर्ड इंक्रीज माय नॉलेज। नाउ स्टूडेंट्स, ओपन योर सोशल स्टडीज़ बुक्स, ओपन पेज नंबर 25, लेसन नंबर 8, इंडिपेंडेंस डे। ये देखिए, आपको डिफरेंट इमेजेस नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ये क्या शो कर रही हैं? जी वेरी गुड, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन शो कर रही हैं सब। दिस वन इज़ मज़ारे कायद, दिस इज़ वाघा बॉर्डर, एंड दिस वन इज़ शोइंग मीनारे पाकिस्तान। यहाँ पे देखिए इतने सारे फ्लैग्स भी लगे हैं। इंडिपेंडेंस डे इज़ अ नेशनल इवेंट, पाकिस्तानी सेलिब्रेट दिस डे ऑन 14th of August एवरी ईयर। इंडिपेंडेंस डे एक नेशनल इवेंट है और पाकिस्तानी सेलिब्रेट करते हैं इस डे को हर साल 14th of August पे। इट इज़ अ डे व्हेन वी गॉट आवर बिलव्ड कंट्री। ये वो दिन है जब हमने अपनी प्यारी कंट्री को हासिल किया था। दिस डे इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट ज़ील बाय पाकिस्तानीज। ये दिन बहुत जोश खरोश से मनाया जाता है, पाकिस्तानी इसको बहुत अच्छे से जोश खरोश के साथ मनाते हैं। चिल्ड्रन इन्जॉय अ लॉट ऑन दिस डे, बच्चे भी खूब इन्जॉय करते हैं इस दिन। This event is also celebrated in schools. Children sing national songs and dress up in green and white colored clothes. इस इवेंट्स को स्कूल्स में भी सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोगों के स्कूल में भी सेलिब्रेट किया जाता था ना, है ना बेटा? क्या करते थे आप लोग स्कूल में? जी नेशनल सॉन्ग्स भी पढ़ते थे और ड्रेसअप हुए होते थे ना ग्रीन एंड वाइट कलर क्लोथ्स में, जैसे और स्कूल्स में भी बच्चे इसको इसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। पाकिस्तानी ऑल्सो डेकोरेट देयर हाउसेज विद फ्लैग्स एंड पेपर फ्लैग्स। पाकिस्तानीज भी अपने हाउसेस को फ्लैग्स और पेपर फ्लैग से डेकोरेट करते हैं। फेमस बिल्डिंग्स ऑफ पाकिस्तान आर ऑल्सो डेकोरेटेड विद लाइट्स एंड फ्लैग्स। और पाकिस्तान की जो फेमस बिल्डिंग्स हैं उन्हें भी डेकोरेट किया जाता है लाइट्स से और फ्लैग्स से। पीपल पे ट्रिब्यूट टू देयर नेशनल हीरोज, कायद आज़म एंड अल्लामा इकबाल आर आवर नेशनल हीरोज। इस दिन पीपल ट्रिब्यूट भी पे करते हैं नेशनल हीरोज को, और हमारे नेशनल हीरोज कायद आज़म भी हैं और अल्लामा इकबाल भी, है ना बेटा? Now come to page number 26. This is page number 26. क्या नज़र आ रहा है आपको इस पिक्चर में? जी अल्लामा इकबाल, है ना? डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल की पिक्चर नज़र आ रही है ना सबको? अल्लामा इकबाल गेव द आइडिया ऑफ अ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स। अल्लामा इकबाल ने आइडिया दिया था सेपरेट होमलैंड का मुस्लिम्स के लिए। He also wrote many poems to encourage the Muslims for a separate homeland. उन्होंने बहुत सारी नज़में भी लिखी ताकि मुस्लिम्स को इनक्रेज कर सकें सेपरेट होमलैंड के लिए। तो इनकी भी बहुत एफर्ट्स थी, है ना, पाकिस्तान बनने में। इसी तरीके से उवल टैलमी, ये किसकी पिक्चर है? वेरी गुड, खाद आज़म मोहम्मद अली जना, ही इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। गुड, खाद आज़म वर्क हार्ड एंड डिड ग्रेट एफर्ट्स टू गेट अ सेपरेट मुस्लिम्स होमलैंड फ्राम ब्रिटिश। कायद आज़म ने बहुत हार्ड वर्किंग की और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाई ताकि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट होमलैंड हासिल कर सकें ब्रिटिश से। ही ऑल्सो वर्क हार्ड आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बाद भी उन्होंने बहुत हार्ड वर्किंग की। ही वर्क टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ हिस लाइफ एंड पास्ड अवे ऑन 11th of September 1948। उन्हें अपनी लाइफ के लास्ट मोमेंट तक हार्ड वर्किंग की और उनकी डेथ हो गई फिर 11th of September 1948 को। मे अल्लाह ब्लेस आर सेक्रेट लैंड, आमीन। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड पेज नंबर 25 एंड 26। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।